तुम में काम करो, खुशी छोड़ो नाम करो। लास्ट यूनिवर्सिटी हाय हाय, लास्ट यूनिवर्सिटी हाय हाय, लास्ट यूनिवर्सिटी हाय हाय। बीसी तुम में काम करो, खुशी छोड़ो नाम करो। बीसी तुम में काम करो, खुशी छोड़ो नाम करो। लास्ट यूनिवर्सिटी हाय हाय, लास्ट यूनिवर्सिटी हाय हाय, लास्ट यूनिवर्सिटी हाय हाय। साडा नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं साक्षी सहनी। एक अजीब बात आज देखने को मिल रही है कि लगातार स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां पर। सबसे पहले तो इनसे जानने का मैं प्रयास करूंगी क्या रीजन है जो आप आज लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप मीडिया साथियों का धन्यवाद। यहाँ पे ये जो आज जितने भी स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं, ये सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो पांच कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, ये वहां से आए हुए स्टूडेंट्स हैं। इनकी एक बेसिक सी, एक जेन्युइन सी डिमांड है कि इनका जो फिफ्थ सेमेस्टर जो पिछले हफ्ते खत्म हुआ और अब इनकी सिक्स सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, और आज जब ये कॉलेज जाते हैं तो इनको कॉलेज में जाके पता चल। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनसे बात करने के लिए आया। यहाँ से आपको लाइव तस्वीरें जो है वो दिखाई जा रही है। बात नहीं करनी है, बात करनी है, थोड़े चुप हो जाना, बात करने दो, बात करना। सर, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक सेमेस्टर 6 महीने का होना चाहिए, हमारा 2 महीने का हो रहा है, तो ये कहाँ का रूल है सर? जम्मू यूनिवर्सिटी में कितने महीने का पता किया आपने? सर उससे क्या, हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी। सुनो सर, जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपनी डिग्री भी टाइम पे कम्प्लीट की थी, क्लस्टर वाली इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स 6 साल में खत्म हुआ। आप जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ कैसे कम्पेयर कर रहे हैं सर? नहीं सर, हमारा 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपनी मास्टर्स की डिग्री टाइम पे खत्म की, जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ ही ना कंपेयर करें सर। अगर आपने सुनना है, अगर आपने सुनना है, बात करनी है, ठीक है, अगर नहीं करना अपनी मर्जी है। अगर आपने बात करनी है तो आराम से बात करिए, हम बात करने के लिए आए हैं। उनके पास 58 कॉलेजेस हैं। कोविड में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं रही जिसका रिजल्ट इन टाइम निकला है, बता दीजिए। कोविड के टाइम कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं रही जिसका रिजल्ट इन टाइम निकला है पूरे कंट्री में। अभी आपकी क्लासें शुरू हुई हैं, अभी आप पढ़ो, विश्वास आते हैं, बात करेंगे, अपनी डिमांड आप लिख के दे दो। सुनिए सुनिए, अभी क्लासें शुरू हुई है ना, स्टार्ट हुई है, बच्चे क्लास में पढ़ने जाते हैं, इनको पता चलता है हमारा 1.5 महीने बाद पेपर है। नहीं नहीं, किसने बोला, किसने बोला? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अभी यूनिवर्सिटी ने कोई डिसीजन नहीं लिया। फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर चल ही रहे थे, हमें इन्फॉर्म कर दिया कि आप लोगों के अभी से सेमेस्टर स्टार्ट होंगे और एग्जाम होंगे। सुनिए बच्चे, ध्यान से सुनिए, जिसने भी कहा अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, अभी 10 दिन तो हुआ क्लास शुरू हुए, कैसे कह सकते हैं एग्जाम आपका 1.5 महीने में होना है अभी? लेकिन सर, ये हमारी डिमांड जेन्युइन है या नहीं, आपको क्या लगता है सर? अभी अभी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, अभी आप पढ़िए, पहले आप पहले क्लास दीजिए। आप क्लास जब 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 कोई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस करेगी उस समय हम देखेंगे कि आपका सिलेबस कितना कवर हुआ, आपका डिमांड कितनी जेन्युइन है, लेकिन अभी हमारी क्लास वर्क शुरू हुआ है, अभी हमारा कोई एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनेशन। एक बार बच्चे, एक बच्चा बात करे, आराम से सुनेंगे। जब से क्लास स्टार्ट हुई हमें इन्फॉर्म कर दिया गया कि आपने यूनिवर्सिटी ने कोई डिसाइड नहीं किया, कोई डेट नहीं है। बेटा सुनो बात, अभी 10 मई को आपकी क्लासें शुरू हुई है। अभी कोई डेट शीट नहीं आई। आपका कहना है कि बच्चों के एग्जाम 2 महीने में नहीं होंगे,
जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब होंगे। सर मतलब ये बच्चे CUET PG के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अगर इनका रिजल्ट ही नहीं आएगा सर, इनका सेमेस्टर नहीं कंप्लीट होगा, ये कैसे बैठेंगे? सर हमारी हमारी जिम्मेदारी है। सर देखो आपने एक गाइडलाइन पास की हुई है, आपने प्रोफेसर तक पहुंचाया हुआ है कि जो 32 लेक्चर में ये इनका सेमेस्टर खत्म कर रहा है। सर ये गाइडलाइन गई हुई है, ये आपने आप लाओ ना रिटर्न। सर हमारे पास रिटर्न में नहीं है, आपने प्रोफेसर तक पहुंचाया हुआ है कि आपने 32 लेक्चर में जो आपको बोल रहा है यूनिवर्सिटी अथॉरिटी, यहाँ कंट्रोलर साहब बैठे हैं, डीन आपसे बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रार आपसे बात हो रही है, आपने जिसने आप जो कहा है अभी आपसे विश्वास बात करिए, पहले आप पढ़िए, पहले आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, जब रिजल्ट जब एग्जाम की बात होगी अभी आपका अभी पढ़ाई पे फोकस करिए, अभी 7 दिन पे अभी क्लास हुई आप आगे 7 दिन हमारी यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटी सारा श्योर करेगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सभी का ऐसा हुआ, कोविड किसी का नहीं हुआ सर, किसी यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ। नहीं सर किसी यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ, एक कंट्रोलर साहब बैठे हैं, इसमें मतलब सर कौन से नहीं हो रहे 10th सेमेस्टर सर इंटीग्रेटेड कोर्स, 5 साल वाला कोर्स सर, हाँ हाँ सर वो 6 साल में खत्म हुआ। अभी आपने ओपन इलेक्टिव पेपर किया, कहीं बाहर से कर रहे हो? बिल्कुल, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया? बिल्कुल हो गया। आपका दिया आपने कौन सा सर? उसी का पेपर का जो आप कर रहे हैं 10th का, नहीं रिजल्ट ऑनलाइन वाला? हाँ सर 1 महीना हो गया उसका रिजल्ट आए हुए, सर्टिफिकेट ही नहीं आया सर। एक मिनट जिस ओपन इलेक्टिव कोर्स की आपने बात की, वो बच्चे को आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर पीजी में भी करवा सकते थे, लेकिन वो हमें बताया सर एंड सेमेस्टर में। सर एक सर सिर्फ एक सेकंड बात सुन लो सर, पैटर्न है उसका सर, एक सेकंड आप सुनो, 10 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद तुझे याद अभी याद आ रही है कि ये करना चाहिए था सर, कैसे जब बाकी यूनिवर्सिटीज की डिग्री कंप्लीट थी हमारा? नहीं सर मैं इस चीज को बीच में नहीं ला रहा, क्योंकि साल वेस्ट हो गया लेकिन सर मैं ये चीज बोल रहा हूँ, इन बच्चों के साथ भी वैसा होगा। आपने अपनी बात कर ली ना, बाकी स्टूडेंट को मौका दो सर, बात उन्होंने सुना दी मेरी, सुनी नहीं क्या आप करना चाहते हो? नहीं चाहते, क्यों नहीं? आप एक साइड कहते हो सेमेस्टर करना चाहते हो, एक साइड कहते हो इसको सुनिए आपने सुनिए पहले बच्चे पहले एक बच्चा बोले सबको सुनेंगे, आप सभी बोल रहे हो क्या समझ आ रही है बात? परस्यू करना है बात सुन लो कि जहाँ अपनी बोलनी है, आपको बोला है कि यूनिवर्सिटी हर एक मेजर ले रही है, VC साहब ने ऊपर भी बात की है, हो सकता है आपकी सैटरडे क्लास भी लगे, आपकी छुट्टियां भी नहीं मिले, आपको टीचर को छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं किसके लिए? बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, हमें टाइम तो दो थोड़ा सा, पहले आप कैसे कह सकते हो हमारा सिलेबस खत्म होगा? जब पहले आप नहीं होगी क्या? नहीं मीडिया के सामने क्या शोर करना है, पहले क्लासेज होने दो, क्लासेज तो होने दीजिए। जब उसके बाद पहले अभी आपने एक हफ्ता नहीं पढ़ा बच्चे सर, नहीं वो किसने टीचर्स बोल रहे थे हाँ, सुनिए मेरी बात, ना किसी टीचर की अथॉरिटी है माइनर करने की, हम प्रिंसिपल की मीटिंग बुलाएंगे, हम प्रिंसिपल की मीटिंग बुलाएंगे, उनके साथ बात करेंगे, जो आपकी डिमांड है आप लिख के दे दीजिए। VC साहब आ रहे हम प्रिंसिपल की मीटिंग कॉल करेंगे, डिसाइड करके जो टीचर कहता है उस पर मत जाइए,
यू कैन कॉन्टेक्ट टू योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल योर एडमिनिस्ट्रेटर, उसने डिसीजन लेना है, टीचर ने डिसीजन नहीं लेना है। तो वो उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं कर सकते हम। वो जब आपका क्लास वर्क चलेगी ना महीना डेढ़ महीने देखेंगे, उसके बाद जब प्रिंसिपल और एग्जामिनेशन कमेटी बैठेगी डिसाइड करेंगे कि कितना सिलेबस क्या हुआ, एग्जाम कब होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो गया सर, सर इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, बोले अगले हफ्ते हमारा पेपर है। कोई बात नहीं, आपके प्रिंसिपल आपका सिलेबस किस चीज का होगा, सब्जेक्ट क्या, किस सब्जेक्ट का, आप लिख के, आप लिख के दो जो भी आपकी प्रॉब्लम है। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हम प्रिंसिपल को बुलाएंगे, प्रिंसिपल से मीटिंग में बात करेंगे। प्रिंसिपल इज अथॉरिटी टू टॉक, माइनर के लिए बोल रहे हैं ये बच्चे के, आप बोल रहे हो सर अभी माइनर का, माइनर तब तक नहीं होता जब तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये बोल रहे हैं हमारा एक एक चैप्टर एक एक हफ्ते में कंप्लीट हो गया, डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास। अभी माइनर की सुनो मेरी बात, सर इन्होंने बोला हमारा एक एक चैप्टर कंप्लीट हुआ डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास। यूनिवर्सिटी जाओगे ना सर, यूजीसी की गाइडलाइन में 40 मिनट्स की क्लास है इनकी, डेढ़ डेढ़ घंटे में हुआ सर, 40 मिनट का लेक्चर, सर 40 मिनट का लेक्चर है सर, सिलेबस पे लिखा होता है, क्रेडिट के हिसाब से क्लासेस लगती है। ओ भाई हमारा हमारे 5 डे वीक है ना, हमारा 5 डे वीक है, वो 6 डे वीक होता है। हम गलत है आप ठीक हो, हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी जाओगे ना, जब यूनिवर्सिटी जब जब आपकी कितनी क्लास हो सर, जम्मू यूनिवर्सिटी करने पीजी करने कितने से कितने क्लास, एक आपकी कितनी की क्लास होती है, 40 मिनट की सर। आर यू श्योर, बिल्कुल श्योर, मैं बुलाऊं उनको आपके सर, जिस मर्जी टाइम टेबल भी देख लो आप सर, जिस मर्जी से आप इंटीग्रेटेड की बात, हाँ बिल्कुल सर, आपकी 40 मिनट के, एक मिनट 40 मिनट की, 40 मिनट की, बुलाने 40 मिनट की क्लास होती है। नहीं देखो लिसन, 5 डे वीक है, टाइम टेबल 4 क्रेडिट का पेपर है, उसको 4 आवर पर वीक देना होता है, एक घंटे की क्लास होती है, बाकी जो आउटसाइडर कॉलेज उनके 6 डे वीक है, उनकी क्लास 45 मिनट्स की होती है, क्योंकि 6 डे चलता है, हमारा 1 घंटे का चलता है, चाहे 5 कॉलेज। सर ये बोल रहे हैं हमारी 50 मिनट की चलती है, आप बोल रहे सर 1 घंटे की चलती है, आप 50 मिनट की क्लास ही थी सर हमारी, आप 1 घंटे की लेना चाहते हो, आप 50 मिनट में ही पढ़ना चाहते हो, आपको इंश्योर कर दिया ना, अब सर को आप एक रिटर्न में दे दो सर, आप डीसी साहब से बात करो, तो आप किसी को बुला के 40 मिनट की होती है, 50 मिनट की होती है सर, आपने बस वैसे डाल दिया सर, आप सर देखो 50 मिनट इन्होंने कहा, सुनो जो कहते हैं वो आप सुनिए मेरी बात, ना मैं आपकी बात मानूंगा ना उनकी मानूंगा, टाइम टेबल में जो है ना, टाइम टेबल जो प्रिंसिपल ने साइन किया है उसमें कितने आवर की, वो लाओ यार सर, आप दिखाओ, एक मिनट सर, आप नहीं मानो हमारी बात, ये बच्चे आपको अपनी डिमांड रिटर्न में देते हैं, बात मानिए, 10 या 15 दिन हो गए क्लास शुरू हुई, कितनी हो गए ना, हाँ सर 10 नहीं हफ्ता हो गए सर, हफ्ता 10 दिन कुछ ऐसे ही, तो 10 दिन में क्या हम आपको ओपन चॉइस मिल जाएगी, जब तक सिलेबस एक मिनट ओपन चाहिए ही नहीं, आप चाहिए ना, वो तेरी जो लाया साथ वो कह रहे हैं, देखो इसका साइन है, कौन से कॉलेज का जी, एक मिनट सर, ये देखो आपने कहा 1 घंटे की क्लास होती है, ये गांधीनगर का टाइम टेबल है, 50 मिनट की क्लास है सर, ये प्रिंसिपल के साइन हुए सर, 50 मिनट इंटीग्रेटेड है ना, और सर